लातेहार झारखंड, प्रचंड मुख्यालय में राम जानकी मंदिर प्रांगण में हुआ विराट शिव गुरु महोत्सव। कार्यक्रम का संचालन श्यामलाल गोस्वामी उर्फ बबलू एवं लक्ष्मण प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिव गुरु चर्चा को जन जन तक पहुंचाना है। अतिथि धनंजय भाई ने बताया कि हमारे बड़े भाई 1982 से पहले ही लोगों से शिव को अपना गुरु बनाने के लिए आग्रह किया था। शिव शिष्य परिवार में जुड़ने व शिव को अपना गुरु मानने से ही आत्मा से परमात्मा का मिलन है। गुरु शिष्य को कभी अकेले नहीं छोड़ते, जबकि आत्मा भी शरीर का त्याग कर देती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मंदिर में पूजा करने जाते जरूर हैं, लेकिन उनका झुकाव भगवान के प्रति न होकर मनोकामना के प्रति होता है। साथ ही मंच से उन्होंने लोगों को तेजी से फैल रहे अफवाह के बारे में बताया कि आप लोग ओझा गुनी भूत बेताल के चक्कर में ना पड़े। अगर पढ़ना ही है तो शिव गुरु को अपना गुरु बनाए, उनके नाम मात्र से ही सारे भूत बेताल भाग जाएंगे। कार्यक्रम में कई शिव गुरु शिष्य ने भजन के माध्यम से लोगों को शिव के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरु भाई श्यामलाल गोस्वामी, लक्ष्मण प्रसाद, रूपलाल मिस्त्री, प्रदीप जायसवाल, विजय गुप्ता, संतोष पासवान, कमल देव जी, सागर अजीत जी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शिव शिष्य परिवार में उपस्थित थे। लातेहार से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रकाश में है, हम लोगों का सिर्फ कहना है कि शिव गुरु हैं, आप उनका शिष्य बनिए और अपना जीवन उन्हीं से झड़वाइए। बीच में किसी से झड़वाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके शिव शिष्य होने का लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन झाड़ फूक जो है वह बहुत ही प्राचीन विधा है। लोग कह तो रहे हैं कि शिव गुरु हैं, लेकिन शिव के प्रति बरसों बरसों से एक भगवान या आराध्य कह लीजिए उसकी भाव है मेरे पास। हम अपने पिता को बोल तो रहे हैं कि मेरे मास्टर हैं, लेकिन मेरा जो इंटरनल भाव है वो उनको मास्टर बुझ नहीं रहा है, उनको अपना पिताजी बुझ रहा है। तो हम जैसे ही शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो भगवान से जुड़ने के लिए पात्रता चाहिए, लेकिन गुरु से जुड़ने के लिए पात्रता नहीं चाहिए। जैसे किसी चीज़ का एग्जाम देने के लिए ABCD जानना अनिवार्य है, लेकिन किसी शिक्षक से जुड़ने के लिए ABCD जानना अनिवार्य। जब हम जान ही लेंगे तो गुरु की हमको जरूरत। इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि शिव के भगवान के रूप में पूजा करने की जो पद्धतियां हैं वो भी उनसे भिन्न है। इसलिए कि परमात्मा से जुड़ने के लिए पात्रता चाहिए, लेकिन वही परमात्मा जब गुरु होता है तो उससे जुड़ने के लिए पात्रता नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक लंबे समय से भारतवर्ष में अध्यात्म के नाम पर गलत बात ही समझाई जा रही है। आप अनुभूति सुनेंगे या बहुत से पत्रिका को भी पढ़ेंगे कि फलाने को गुरु बनाए तो व्यापार बढ़ गया। क्या अभी हाल में तो देख रहे थे दिल्ली कि काला पर्स रख लो, समोसा खा लो, यही धर्म है हमारा। मनुष्य निजी रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में अपना रुचि लेना बंद कर दिया, और इसके पीछे मौलिक वजह मुझको जो दिखाई देता है, इतने कंडीशन अध्यात्म में है, इतने लोग समझा दिया है जटिलता के साथ अध्यात्म का मार्ग, उसको लगता है कि सब छोड़ेंगे तब उधर हम जा सकते। लातेहार झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों का दौरा। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वज्रगृह पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर एवं SP प्रशांत आनंद। वज्रगृह निर्माण को लेकर प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त श्री कमर एवं SP श्री आनंद के द्वारा वज्रगृह की विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली एवं लातेहार पॉलिटेक्निक भवन में बनाए जाने वाले वज्रगृह में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त श्री कमर ने स्पष्ट कहा कि वज्रगृह निर्माण को लेकर अधिकारियों को जो भी टास्क मिले हैं उसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवारी तय करते हुए सीधी कार्रवाई की जाएगी। लातेहार से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।
लातेहार झारखंड में पैगंबर साहब के जन्मदिन पर हैरहंज प्रखंड मुख्यालय से चिरू तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। हैरहंज प्रखंड क्षेत्र के हुम्बू ग्राम में 12 रबी उल अवल का कार्यक्रम ईदगाह में संपन्न हुआ। आज के दिन पैगंबर इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए आलम इस्लाम में जश्न का माहौल है और हर जगह लोग जुलूस मोहम्मदी निकाल कर इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी अवसर पर हैरहंज प्रखंड के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर उन्होंने जुलूस निकाला और ईदगाह हुम्बू में कार्यक्रम कर इसका समापन हुआ। मौके पर मौलाना अहसन रिजवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। लातेहार से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट।